नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और टोटल प्रश्न जो है ये आधुनिक भारत से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे समी मुल्ला एवं आगा खान ने। किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना समी मुल्ला एवं आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। अच्छा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी को, ठीक है, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी को, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का जो संचालन है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। सवाल है आपके सामने कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है ये 1916 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है ये अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि 1906 ईस्वी को कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1906 ईस्वी को कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या किए थे? तो ये किए थे 1906 ईस्वी को कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला सवाल है कि 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अच्छा, 1908 ईस्वी में एक और कांड हुआ था जिसमें क्या किया गया था, 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, ठीक है, यानी खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। और 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो बंगाल से जो बिहार है ये 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। याद रखिएगा कि बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था, अलग हुआ था? 1912 ईस्वी को। और 1912 ईस्वी को ही कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था भारत की राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 9 नंबर कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे थे? ये कहा था अरविंद घोष ने, ठीक है। याद रखिएगा कि हम लोग टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं। कितने प्रश्न? याद रखिएगा 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें जो बीपीएससी की तैयारी करता है या फिर बिहार दरोगा या फिर एसएससी जीडी या फिर कोई अदर एसएससी, ठीक है, कोई अदर एग्जाम का तैयारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो, ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सवाल है कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? ये कहा था अरविंद घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी को हुआ था। हम आपको क्या बताए थे कि 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, ठीक है। किसके कारण फांसी दिया गया था? क्योंकि किंग्स फोर्ड्स की हत्या का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो 2 व्यक्ति थे जिनका नाम है खुदीराम बोस और एक था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था पता है? डर के मारे वो सुसाइड कर लिया था खुद से, ठीक है। और ये जो थे कौन, खुदीराम बोस, इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी को। किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था 1908 ईस्वी को और प्रफुल्ल चाकी जो था वो सुसाइड कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? हमको बताए थे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन जो है ये रद्द हुआ था 1911 ईस्वी को। कब रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल।
तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखिए है कि 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते किसने करवाया था? तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट ने करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो देखिए यहाँ पे सी आर दास यानी चितरंजन दास ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सवाल है, सवाल यहाँ पे है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दास यानी चितरंजन दास ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहे थे, ठीक है। यानी मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कौन थी? तो ये भारत की उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो किस राज्य की बनी थी, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री यूपी का कौन था? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। और ये भारत के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो अगला सवाल आपके सामने है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर सवाल है कि कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, याद रखिएगा कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है। यानी कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का था? स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष था ये गीत जो था ये वंदे मातरम था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था दोस्तों? याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति जो था एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक जो है ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि बंगाल में अथमोत्री समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किससे स्थापित की? तो विपिन बिहारी गांगुली ने। याद रखिएगा कि बंगाल में अथमोत्री समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसने स्थापित की थी? तो विपिन बिहारी गांगुली। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में, ठीक है दोस्तों। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील उत्पादकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध था। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, याद रखिएगा 1917 को हुआ था, ठीक है, 1917 को हुआ था। और अंग्रेजों का कहना था कि आपके 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा क्या, तो नील की खेती करना था। यानी तिनकटिया प्रणाली था, 20/3 यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा क्या करना था, तो नील की खेती करना था। उसी के विरोध में किसानों ने क्या किया था, महात्मा गांधी को बुलाया था और यहाँ पे विरोध किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो यही है कि चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो नील उत्पादकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध करना, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप नील की खेती करते हैं तो नील की खेती करने से खेत जो है वो बंजर हो जाता है, उससे और कोई अनाज नहीं उपज पाता। इसीलिए किसान क्या करते थे, इसका विरोध करते थे कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खेत जो है वो बंजर हो जाता है नील की खेती करने से, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन उत्तरी केरल यानी कि मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरोध चलाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरोध, ठीक है। याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह पहले सबसे कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। यानी कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी को हुआ था, मोपला आंदोलन उत्तरी केरल के मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरुद्ध चलाया गया था, तो ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला।
अगला सवाल आपके सामने 25 नंबर कि 1613 ईस्वी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की, तो सूरत में, ठीक है, जो कि असफल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा, यह स्थापित तो किया था लेकिन असफल रहा था, ठीक है। तो 1613 ईस्वी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। नेक्स्ट है कि वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 27 नंबर कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कौन था, तो प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये पुर्तगाली था, ये प्रथम वायसराय था और पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए, किंतु इन सब में सबसे अधिक घातक परिणाम क्या था, तो देसी उद्योग धंधों का विनाश, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए किंतु इन सबसे अधिक घातक परिणाम था देसी उद्योग धंधा का विनाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 29 नंबर कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था, अरविंद घोष। नेक्स्ट है कि किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने कब स्थापना किए थे, 1896 ईस्वी को क्या स्थापना किए, तो श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, कब किए थे, 1896 को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल बोल रहा है 31 नंबर कि किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ठीक है, यानी कि किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी जहाँ टीपू सुल्तान ने फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, क्या था, श्रीरंगपट्टनम, यानी टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम, डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है 33 नंबर सवाल है कि बंगाल में भूमि कर की अस्थाई व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया था, तो जमींदारों के साथ, याद रखिएगा कि बंगाल में भूमि कर की अस्थाई व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया था, तो जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, कब हुआ था, 1917 को हुआ था, ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो तीन कठिया प्रणाली, याद रखिएगा कि 20 कट्ठा खेत पर, अगर 20 कट्ठा खेत है उसमें तीन कट्ठा पे क्या करना था, तो ये नील की खेती उगाना था, तो जिसमें किसानों ने विरोध किया था, ठीक है, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह हो गया था, ठीक है। कब हुआ था, 1917 को, कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 35 नंबर कि योम किपर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था, तो इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे, यानी कि के बीच लड़ा गया था, यानी कि योम किपर युद्ध जो है ये इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी कौन कौन थे, मिस्र और सीरिया था, याद रखिएगा, यानी कि इजराइल और मिस्र सीरिया के बीच हुआ था योम किपर युद्ध, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। नेक्स्ट है 36 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो इनसे लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो ये 1919 को हुआ था, इसको बिना अपील या बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसमें क्या करता है कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत था रॉलेट एक्ट में, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट यही है कि 1919 में हुआ था, इसे बिना अपील या फिर बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या होता है कि बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए ये मान्यता प्राप्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 37 नंबर सवाल है कब पट्टा पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन
स्थापित किया गया था, ये 1920 ईस्वी को, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था, 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। याद रखिएगा कि 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 39 नंबर सवाल कि हार्टोग आयोग स्थापित किया गया था सुधार के लिए, ये शिक्षा सुधार के लिए, याद रखिएगा कि हार्टोग आयोग जो है ये शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है दोस्तों, अखंड भारत का संपादन जो है ये जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी उस समय, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं अगला सवाल है 42 नंबर सवाल, 42 नंबर सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया करता था, ठीक है, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया करता था, इसीलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण था। नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो लखनऊ में किया था, याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर, तो ये लखनऊ के स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 45 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 46 नंबर सवाल, ठीक है, 46 नंबर सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेता कुंवर सिंह ने, ठीक है दोस्तों, यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नेता कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 9 मई 1858 ईस्वी को, ठीक है, 9 मई 1858 ईस्वी को नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 48 नंबर कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब, ठीक है दोस्तों, यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा, तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना, ठीक है, यानी कि 1857 ईस्वी का जो आंदोलन था ये किस कारण असफल रहा था, तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। नेक्स्ट 50 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो जेम्स आऊ ट्रम्प व डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, यानी कि 1857 ईस्वी के जो विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट 51 नंबर कि इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल है 52 नंबर कि गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था, तो कोल्हापुर, ठीक है दोस्तों, कोल्हापुर जो था ये गडकारी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 53 नंबर कि किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बी डी सावरकर ने, याद रखिएगा बी डी सावरकर ने किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निष्वासित किया गया, तो ये रंगून पर, ठीक है, कहाँ, रंगून। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 55 नंबर कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो लक्ष्मीबाई, यानी कि लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय
क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। वाकई में लक्ष्मीबाई काफ़ी क्रांतिकारी थी, इनको कहने के लिए भी मतलब ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए था। यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द किसने कहा था, तो यूरोज ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या चिन्हित किया गया था, तो कमल व चपाती। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो कमल व चपाती। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है 57 नंबर कि किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, यानी किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये कुंवर सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा कि इस विद्रोह के समय जगदीशपुर जो कहाँ पड़ता है, बिहार में, इसके राजा कौन थे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने 59 नंबर सवाल है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। याद रखिएगा सवाल है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो इसका फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया, तो आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, यानी कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किस उपन्यास में किया गया है, आनंद मठ। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो लाहौर सत्र में। ठीक है, यानी कि किस कांग्रेस सत्र में, तो लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1930 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 62 नंबर सवाल कि किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया, तो एनी बेसेंट। ठीक है, किसने शुरू किया, एनी बेसेंट, यानी किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है कि 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की, इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तो विजय राघवाचार्य ने। याद रखिएगा, ठीक है, विजय राघवाचार्य ने 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि विजय राघवाचार्य ने किया था, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगला सवाल है 64 नंबर सवाल कि केसरी और मराठा किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का दो समाचार पत्र है, याद रखिएगा केसरी और मराठा है। कौन सा है, केसरी और मराठा जो है, ये दो समाचार पत्र है किसका, तो बाल गंगाधर तिलक का। तो केसरी और मराठा किसने इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि ओगाडन क्षेत्र के लिए दो देशों ने लड़ाई की, तो इथोपिया और सोमालिया। याद रखिएगा कौन से किया था, इथोपिया और सोमालिया ने ओगाडन क्षेत्र के लिए दो देशों ने लड़ाई की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 नंबर सवाल है कि किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे, तो बंगाल का चटगांव बंदरगाह। ठीक है, यानी किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग जो है ये महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे, बंगाल का चटगांव बंदरगाह। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है, तो दयानंद सरस्वती का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 68 नंबर सवाल है कि बंगाल का द्रविड़ शासन किस वर्ष लागू हुआ, इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई, इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना अधिकार प्राप्त करना था, तो 1765। ठीक है, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ, याद रखिएगा कि बंगाल का जो द्वैध शासन है ये किस वर्ष लागू हुआ, 1765 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ठीक है, यानी कि पंजाब में हुआ था 4। आपको पता होगा कि पंजाब में क्या हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, APRIL 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। जनरल डायर ने आदेश दिया था जिसमें 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसी के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सा उपाधि? नाइट हुड की उपाधि क्या कर दिया था? लौटा दिया था अंग्रेजों को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 70 नंबर, कि 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? तो जैसलमेर, राजस्थान में, ठीक है। यानी कि 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। 71 नंबर सवाल है कि किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो यह है पंजाब। किसका गठन नहीं हुआ था? पंजाब का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 72 नंबर, कि आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर यह सवाल पहले भी कर चुके हैं, फिर से देख लीजिए, कि आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 74 नंबर, कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो डलहौजी के समय, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही मुंबई से थाने के बीच, एम से मुंबई और थाने के बीच, यानी कि कितना, 34 किलोमीटर चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी को प्रथम ट्रेन, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। नेक्स्ट है कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद में, ठीक है। यानी कि विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर सवाल। 76 नंबर सवाल आपके सामने जो है, सवाल है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। यानी कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे अधिक संख्या में देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे। नेक्स्ट है कि किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है दोस्तों। यानी किस सामाजिक सुधार में, तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन के सुधार में अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी, ठीक है। नेक्स्ट 78 नंबर, कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखते हैं सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। यानी कि किस मुगल सम्राट के काल में, तो जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 81 नंबर, कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदर की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने किया था, ठीक है। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदर की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किए थे। नेक्स्ट है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो 1895 को। यानी कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1895 को। नेक्स्ट है कि हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह, ठीक है। कौन सा विद्रोह है? तो हो विद्रोह है, ठीक है। हो विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 84 नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम, ठीक है, 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो बेट बेगारी पर, ठीक है। यानी कि छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम जो है ये 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? तो बेट बेगारी पर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 85 नंबर सवाल,
85 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया, तो खोंड जनजाति ने, ठीक है, यानी कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया, खोंड जनजाति। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, MN Roy था। कौन था? MN Roy कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला 87 नंबर सवाल है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की, तो वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के जो है ये महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किए थे। नेक्स्ट 88 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, तो 1820 ईस्वी को, ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, 1820 को। नेक्स्ट है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो तीनकठिया से, ठीक है, कब हुआ था, 1917 ईस्वी को हुआ था, किस लिए हुआ था, 3/20, ठीक है, याद रखिएगा कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा का नील की खेती करना था, जिसमें किसानों ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया, क्योंकि नील की खेती करने से खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 90 नंबर कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से, ठीक है, उल गुलान महाविद्रोह जो है किससे जुड़ा था, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो 1874 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, 1874 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 21 नंबर है कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ, तो 1921 ईस्वी के मालाबार यानी कि केरल में हुआ था। किस राज्य में हुआ, तो केरल में हुआ, ठीक है, यानी कि मोपला विद्रोह 1921 को, ठीक है, मालाबार केरल में हुआ था। नेक्स्ट है कि गुलाम गिरी का लेखक कौन था, तो ज्योतिबा फुले, ठीक है दोस्तों, गुलाम गिरी के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह कब किसका था, तो गारो जनजाति का, ठीक है, यानी कि पागलपंथी विद्रोह किसका था, गारो जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 95 नंबर सवाल है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, उनके नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है 97 नंबर कि भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया, तो बड़ौदा के महाराज, ठीक है, यानी कि बड़ौदा के महाराज, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग किए थे, याद रखिएगा। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पूना समझौता किस किस के मध हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, पूना पैक्ट याद रखिएगा कब हुआ था, पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, कब हुआ था, 1932 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 99 नंबर सवाल कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ, 1879 को हुआ था, ठीक है, 1879 को महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, 1917 को, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 100 सवाल कर चुके हैं, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, जितना बार देख सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।